काफ़ी लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन भेजा, बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल सर ने भी बहुत अप्रिसिएट किया सभी बच्चों को, और मैडम ने भी कल आप लोगों को अप्रिसिएट किया कि बहुत ऐसे क्रिटिकल टाइम में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा निश्चित रूप से इससे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो वो भी अपना धीरे धीरे भेजते हैं। जिन लोगों ने लेट क्लास ज्वाइन करी है उनके वीडियो हैं वो यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आज आपको कुछ नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखो, हम लोगों ने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज पढ़ी थी ना, थोड़ा सा आज नॉर्मल क्लेचर को थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक जो है बीच में रह गया था उस टॉपिक को आज निपटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉर्मल क्लेचर को ब्रेक देकर मैं वापस एक बार कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज में जाता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे अपने, केवल जो है केवल एथेन के आइसोमरीज पढ़े थे जिसमें न्यूमैन और सोहार्स पढ़ा था अपने, लेकिन हमारे सिलेबस में साइक्लोहेक्सेन के भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग लगाओ आप, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसका आपको मॉडल भी बनाना होगा बेटा, ठीक है। देखो, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। देखो बच्चों, साइक्लोहेक्सेन का यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? इस प्रकार से, ठीक है। देखो बच्चों, साइक्लोहेक्सेन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन को हम कैसे बनाते हैं, इसको और इस कार्बन को यहां से हाइड्रोजन हटाकर, यहां से हाइड्रोजन हटाकर इनको जोड़ देते हैं। देखो, ये वैसे ही है कि जैसे आपके सामने एक नीम की लकड़ी है, बिल्कुल सीधी। नीम की लकड़ी तोड़ के लाओगे ना, तोड़ के लाओगे और फिर उसको आप लकड़ी को यूं जोड़ लगा कर यूं करते हो, मरोड़ते हो ना लकड़ी को, तो बताओ वो लकड़ी तनाव महसूस करती है कि नहीं करती? क्या महसूस करती है? वो तनाव महसूस करती है ना, कि उस लकड़ी रहना चाहती है वो यूं। लकड़ी रहना कैसे चाहती है? वो यूं। और वो रह, आपने कैसे कर दिया उसको यूं ज़बरदस्ती पकड़ के? धनुष बाण को ले लो, अभी महाभारत चल रही है तो अर्जुन का गांडीव देखा है आप लोगों ने, वो बार बार में तमंचा टूट जाता है, फिर वो बांधता है। वो क्यों बांधता है? क्योंकि वो जो अर्जुन का गांडीव है वो तनाव महसूस कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ने उसको कैसा कर रखा है? यू कर रखा है इस साइड में। तो ये तनाव जो है ये बेंजीन रिंग महसूस कर रही है इस समय, ये मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग महसूस कर रही है। क्यों? ये रहना तो ऐसे चाहती है सीधी, लेकिन मैंने इसको मरोड़ कर कैसा कर दिया? इस शेप में कर दिया। कैसा कर दिया? इस तरह। अब ये तनाव ऐसा होता है कि हर आदमी तनाव को कम करना चाहता है। जैसे सपोज करो, इस वक्त किसी का तनाव को कम करने के, कोई अपनी टांग को हिला रहा होगा, कोई अपनी टांग को जो है ऊपर पट के रखा होगा, तो ये सब जब तरीके जो है क्या है, तनाव को कम करने के लिए होते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन भी इस तनाव को कम करने के लिए अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। कैसे? तो इसके अंदर लिखो, इसके अंदर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन a higher tension is produced at the each carbon। देखो इधर, higher tension is produced at each carbon। देखो बेटा, इधर देखो,
आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था आप लोगों को, sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, कितना है sp3, सब तक है sp3, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp3 है, बिल्कुल सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लिखना बंद कर दो, मैं लिखवा दूंगा सब कुछ, बस तुम तो दिमाग के अंदर सेट करो बस, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक है। अब जब तुम्हें पता है मैथेन के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, और बॉन्ड एंगल का मान कितना बताया था मैंने, 109 डिग्री। तो ये हमेशा सच है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का हो जाता है, 120 डिग्री का हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 का। अब ये तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई ना, कि आदमी आरामदायक स्थिति कब महसूस करता है, जब 109 डिग्री का एंगल हो। आरामदायक स्थिति कब महसूस करता है इंसान, जब 109 डिग्री का एंगल हो। अब 109 डिग्री के एंगल को आपने 120 में बदल दिया, अरे तो तनाव महसूस होगा ही होगा। अरे ये 109 होता है कि नहीं होता भाई, आदमी की रिलैक्स पोजीशन कौन सी है, 109 डिग्री वाली जो पोजीशन है वो इंसान की रिलैक्स वाली पोजीशन है, लेकिन आपने कितना कर दिया, 120 कैसे किया, इसको पकड़ कर यूं कर दिया मैंने, तो तनाव होगा कि नहीं होगा। ये रिंग क्या करना चाहेगी, अपने आप को कौन से एंगल में लाना पसंद करना चाहेगी, 109 में महसूस लाना चाहेगी। ये रिंग कोशिश क्या करेगी, स्टेबिलिटी के लिए क्या महसूस करेगी, अपने आप को 109 डिग्री है, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तब बॉन्ड एंगल लगभग कितने का होता है, 109। लेकिन इस रिंग को जबरदस्ती बनाने के कारण ये क्या हो गया, 120 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर आगे, वी नो दैट व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज sp3 देन द बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब ये क्लास खत्म होगी तब आपको साइक्लोहेक्सेन पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। द बॉन्ड एंगल शुड बी 109, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109। बट इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है, 120 डिग्री, ठीक है। सो This is known as angle strain. अरे कृष्ण आज क्लास में 10 बजे, ठीक है। हाँ, सो दिस इज नॉन एज एंगल स्ट्रेन। एंगल में क्या हो जाता है, तनाव महसूस हो जाता है। एंगल में क्या महसूस हो जाता है, तनाव, ठीक है। कि भाई रहना तो 109 में रहे, बेंजीन हरे, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो वो कोशिश करेगा कि भाई मेरा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का हो, लेकिन ये धनुष बाण की तरह इसको मोड़ दिया मैंने, अरे तनाव महसूस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। आप इस समय बैठे हो, थोड़ा सा आपकी जो आप जिस आरामदायक पोजिशन है इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो, आपको तनाव महसूस होगा यार, कि ऐसे हाथ रखूंगा तो दर्द होगा, यूं रख लेता हूं, ऐसा हम सब करते हैं। तो ऐसे ही ये नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसा महसूस करती है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन बोलते हैं इसको, स्ट्रेन का मतलब भी तनाव ही होता है, एंगल स्ट्रेन मतलब कोण का तनाव, ठीक है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को, इसका बॉन्ड एंगल ये कितना होना चाहिए, 109 डिग्री, जबकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है, मालूम कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इस एंगल स्ट्रेन को हटाने के लिए साइक्लोहेक्सेन जो होती है, इस एंगल स्ट्रेन को हटाने के लिए साइक्लोहेक्सेन कोई दूसरा रूप बदल लेती है, कोई सा दूसरा रूप बदल देती है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो दो फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए आगे लिखो इसके अंदर, टू रिमूव द एंगल स्ट्रेन
टू रिमूव द एंगल स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। देखो बच्चों ध्यान से समझना, सभी को समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यार ये साइक्लोहेक्सेन है, मतलब क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो ये क्या है टेंशन को खत्म करने के लिए क्या करेगी, ये बताओ ये साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं है, कार्बन एक दो छह कार्बन दिख रहे हैं क्या आपका, 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन है, इसे कहते हैं चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं इसको, चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन कहलाते हैं, क्या कहते हैं चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मतलब इसको इस स्थिति में आने के लिए, अरे चेयर तो हमारे लिए रिलैक्सेबल ही होती है लेकिन इसके लिए खुद चेयर रिलैक्सेबल है, ये चेयर जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा आप लोगों को साइक्लोहेक्सेन, ये इस रूप में क्यों आया, ये इस रूप में इसलिए आया क्योंकि इस रूप में इसको आराम मिलता है, इसका बॉन्ड एंगल 109 के करीब हो जाता है, 109 तो नहीं होता लेकिन 109 के आसपास हो जाता है, तो इस वजह से साइक्लोहेक्सेन किस रूप में आ गई, चेयर फॉर्म में आ गई। दूसरा एक नया रूप और बन जाता है, दोनों ही रूप में रहता है, 95% इस रूप में रहती है और 5% इस रूप में रहती है। देखो एक दो तीन चार पाँच और छः, दिस इज नोन एज बोट कॉन्फॉर्मेशन, ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसको हम क्या बोलते हैं बोट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इस फॉर्म में ये 5% रहती है। मतलब आप लोग जब साइक्लोहेक्सेन के मिक्सर में जाओगे तो आपसे पूछो भाई साइक्लोहेक्सेन किस रूप में पाई जाती है, तो साइक्लोहेक्सेन ज़्यादातर 95% तो किस फॉर्म में पाई जाती है, चेयर फॉर्म में, और 5% जो है किस में पाई जाती है, बोट फॉर्म में। देखो बेटो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि साइक्लोहेक्सेन का ये रूप एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो दिख रहा है ना आपको साइक्लोहेक्सेन, ये फॉर्म इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, क्यों, एंगल स्ट्रेन की वजह से, क्यों, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता है 120 डिग्री का, जबकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सभी को मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया है, sp3 sp2 और sp पढ़ा दिया है मैंने, यहाँ पे कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड है और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो होती है 109 डिग्री होती है, 109 डिग्री होती है, मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज 109 डिग्री एट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन पैदा हो गया, कौन सा तनाव पैदा हो गया, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन पैदा हो गया और एंगल स्ट्रेन की वजह से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई है। तो लिखो आगे लिखिए, ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन द रियल फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन The real form of the cyclohexane does not exist. The cyclohexane is exist
इन टू फॉर्म, इन टू फॉर्म, ठीक है। अब इसको बना लो, इसका ड्रा कर लो, एंगल स्ट्रेन। तनाव की स्पेलिंग क्या होती है? ये कनिका सुप्रिया सही दिखाई दे रहा है आपको? बोर्ड बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जैसे न्यूमैन का अपन ने एथेन का बनाया था ना, वैसे ही हम इसका भी न्यूमैन का वो जो बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। दोनों ही बनाऊंगा, चेयर वाला भी बना दूंगा और बोट वाला भी बनाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान से पहले कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये उतार लिया ना सभी ने, देखो देखो, आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर यही होता ना, मैं इसको इस फॉर्मूले में लिख देता हूं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो, साइक्लोहेक्सेन न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें दो कार्बन चाहिए, एक कार्बन गोले वाला कार्बन और एक कार्बन डॉट वाला कार्बन, ऐसा ही बनाया था कुछ अपन ने, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन का सिलेक्शन कर लेते हैं अपन, इन दो कार्बन का और इन दो कार्बन का सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका न्यूमैन पहले इस वाले कार्बन को ले लेते हैं, एक कार्बन को तो मैं गोले के रूप में ले लेता हूँ और एक कार्बन को मैं डॉट के रूप में ले लेता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ क्योंकि ऊपर अड़ेगा वो जाके। इनमें से एक कार्बन मैंने गोले के रूप में ले लिया और दूसरा कार्बन किस रूप में ले लिया मैंने, इसके दूसरा कार्बन किस रूप में ले लिया? डॉट के रूप में। इन दोनों कार्बन ले लिया, वैसे इन दोनों कार्बन को ले रहा हूँ, एक कार्बन को गोले के रूप में ले लिया और एक को डॉट के रूप में ले लिया, ठीक है। अब देखो, यदि हम ऐसे करते हैं, ये देखो, इस कार्बन से एक तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है और यही इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अभी मैं समझा दूंगा भाई, बट मुझे बना ले लो थोड़ा सा, ठीक है। और इस पर CH2 हो गया, इस कार्बन से मैंने ये दोनों CH2 जोड़ दिए। अब देखो, अब इस कार्बन पे क्या बच गए, एक इस कार्बन का एक बॉन्ड बन गया और इस कार्बन का भी बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन पे क्या है, दो हाइड्रोजन है ना, तो देखो दो हाइड्रोजन बना रहा हूँ मैं, एक हाइड्रोजन ये बना दिया और एक हाइड्रोजन ये बना दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पे भी ऐसे करो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक बार उतारना मत क्योंकि मुझे पहले मुझे लगना चाहिए कि मैंने सही बनाया है, उसके बाद में आप लोग उतारोगे, ठीक है। अब इस वाले कार्बन, मतलब डॉट वाले कार्बन, नीचे वाले कार्बन को कैसे लिया अपन ने, डॉट वाला कार्बन। अब डॉट वाले कार्बन पे क्या है, डॉट वाले कार्बन से एक तो CH2 जुड़ा हुआ है, तो देखो
हाँ जी देखो, अब डॉट वाले कार्बन से क्या है, इस ये वाला तो कार्बन मैंने माना है डॉट, और ये वाला कार्बन मैंने माना है गोला, ये वाला मैंने माना है डॉट और ये वाला माना मैंने गोला। अरे भाई एक जना तो हाँ हाँ कर लिया करो, मुझे कुछ मोटिवेशन तो मिले। हाँ 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 कुछ तो बोला करो यार, तुम तो ऐसे, मैं कोई कथा थोड़ी सुना रहा हूँ बेटा दशा माता की, ठीक है। हाँ इधर देखो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार शुरू से, ठीक है, जिसको समझ में आए वो यस सर बोलना। मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन का, और मैंने जब आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ाया था साइक्लोहेक्सेन का, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि दो का कार्बन को, एक कार्बन को तो हम डॉट से प्रेजेंट करते हैं जो व्यूअर से दूर की तरफ हो, और एक व्यूअर के पास में उसको गोले से प्रेजेंट करता है। तो दो कार्बन ले लिए मैंने, इसके दो कार्बन ये ले लिए, इसके दो कार्बन ये ले लिए। तो देखो इस कार्बन को मैंने स्फीयर से शो कर दिया और इस कार्बन को मैंने डॉट से शो कर दिया, वैसे ही यहाँ किया। तो देखो इस कार्बन को ये गोला हो गया और ये डॉट हो गया, तो दो कार्बन दिख रहे हैं आप लोगों को सबको, यहाँ पे भी देखो ये गोला हो गया ये डॉट हो गया, बात समझ में आ गई। मतलब मैंने इन दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनके ऊपर क्या क्या है, इस कार्बन के पास में दो तो हाइड्रोजन है और एक CH2 है, इस कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है और एक CH2 है। देखो गोले के ऊपर CH2 बना दिया, ये दो हाइड्रोजन लिख दिए, और इसके ऊपर इस बड़े गोले के ऊपर एक CH2 और दो हाइड्रोजन लिख दिया। ऊपर वाले गोले का काम हो गया पूरा कंप्लीट, ऊपर वाले गोले पे जो भी लिखा हुआ है उनको लिख दिया क्या हमने, लिख दिया। अब डॉट वाले की बात करते हैं, डॉट पर क्या है, हाँ डॉट पर क्या है, दो तो हाइड्रोजन है और एक CH2 है, तो ये डॉट वाला कार्बन, इस पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन हो गए और देखो ये CH2 हो गया, ओके। अब इस डॉट की बात करते हैं, इस डॉट पे दो हाइड्रोजन, एक तो ये हाइड्रोजन हो गया और एक ये हाइड्रोजन हो गया और ये CH2 हो गया। बताओ बात समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन का स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहलाता है, साइक्लोहेक्सेन का स्टैगर्ड न्यूमैन कॉन्फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो कैसा ये कॉन्फॉर्मेशन है, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, उतार लीजिए। पूर्वी यादव नहीं है क्या आज? यस सर। हाँ समझ में आया, यस सर। ठीक है एक बार उतार लो फिर समझा दूंगा मैं आपको एक बार। हो गया इधर देखिए, मैंने क्या किया कि मुझे साइक्लोहेक्सेन का स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाता था, और जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है वही चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसी के जुखाम हो रही है क्या, ऐसे लग रहा है नाक साफ करने की सी आवाज़ आ रही है, किसके हो रही है जुकाम, म्यूट करके नाक साफ कर लो अपनी, ठीक है। चलो ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन या स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन का डायग्राम है। मैंने एक कार्बन को गोले के रूप में लिया और दूसरे कार्बन को किस फॉर्म में ले लिया, मैंने दूसरे कार्बन को मैंने किस फॉर्म में ले लिया, डॉट के फॉर्म में।
तो देखो ये वाला ऊपर वाला कार्बन जो हो गया मोटे मोटा कार्बन दिख रहा है वो तो गोला हो गया, और जो डॉट दिख रहा है वो आप लोगों का कैसा हो गया, जो है ये वाला कार्बन हो गया। अब बस यही मैंने ऐसे किया, और इन पे प्रेजेंट जो है, इन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो भी चीज़ प्रेजेंट है उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दी। इस कार्बन पर क्या था, एक CH2 और दो हाइड्रोजन, तो ये CH2 हो गया और ये हाइड्रोजन दो हो गए, क्लियर। नेक्स्ट इस कार्बन पे क्या था, इस कार्बन पे भी दो, एक CH2 और दो हाइड्रोजन, तो ये CH2 हो गया और ये गोले पे दो हाइड्रोजन हो गए, क्लियर। वैसे ही इस डॉट पे भी CH2 था, ये CH2 था, और इस CH डॉट पे भी क्या था, एक CH2 था, दोनों CH2 हो गए, और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, वो मैंने ड्रा कर दिए। बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो एक लाइन लिखो इसके अंदर नीचे इसके, द स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर्स, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर्स ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इज द स्टगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज द चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। हो गया मित्रों, इधर देखिए, अब मैं इसका ये स्टगर्ड बना दिया, अब मैं इसका इक्लिप्स बना रहा हूँ, इसका क्या बना रहा हूँ, इक्लिप्स। अब इक्लिप्स बनाने के लिए मैं क्या इसको उतार कर यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों में एक चीज़ और समझना। अब एक 10 मिनट बाद में क्लास ख़त्म हो जाएगी, ये डॉली यादव जो है क्लास ख़त्म होने के बाद में वापस ज्वाइन नहीं करती है, तो इसको कहना कि भाई आप वापस 5 सेकंड में क्लास वापस चालू हो जाती है तो वापस ज्वाइन कर लें, ठीक है। देखो यहाँ मैं बना देता हूँ वापस CH2 और CH2। तो इस कार्बन को तो हमने क्या माना था, गोला, और इस कार्बन को हमने क्या माना, डॉट। इस कार्बन को गोला और इस कार्बन को डॉट। अब मैं इक्लिप्स फॉर्म बना रहा हूँ इसकी, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, गोला और डॉट, इस कार्बन को गोले से, इस डॉट से। तो ये 4 कार्बन बना चुका हूँ मैं, कितने कार्बन बना चुका हूँ, 4, ठीक है। अब देखो नीचे वाले जो डॉट वाले कार्बन की पोजीशन जैसी इसके अंदर लिखी है वैसी की वैसी बना दो, डॉट वाले कार्बन की जो भी स्थिति है ना वो ऐसे कैसे बना दो, जो स्टैगर्ड में बनी हुई थी वैसी की वैसी बना दो, क्लियर। लेकिन हम क्या करते हैं जब बनाते हैं न्यूमेन, तो ऐसे एक ये पीछे वाला गोला तो स्थिर रख दो ऐसे कैसे, और ऊपर वाले को घुमाओ यूँ। तो देखो भैया मैं इसको घुमा रहा हूँ, पकड़ा मैंने और ये घुमाया, घुमा घुमा घुमा, तो ये हाइड्रोजन ही आ गया, ये CH2 कहाँ चला गया, इसके पीछे चला गया ना, अरे ये सुनो, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला गया। इन गोलों को पकड़ के घुमाओ, घुमाओगे तो क्या स्थिति आएगी, देखो ये CH2 यहाँ आ जाएगा, हो गया। देखो ये हाइड्रोजन घूम के यहां आ जाएगा, हो गया। और देखो यहां इसको ये घुमाया, ये हाइड्रोजन घूम के यहां आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन घूम के यहां आ जाएगा, और जो ये हाइड्रोजन है वो यहां आ जाएगा। तो भैया ये कैसी फॉर्म हो गई, ये साइक्लोहेक्सेन की इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, इट इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का कैसा फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, और यही हमारा कैसा होता है, बोट कॉन्फॉर्मेशन, बोट कॉन्फॉर्मेशन। बात समझ में आएगी आप लोगों को, सुप्रिया एक बार रिपीट कर दो इसको। बिल्कुल अभी कर देता हूँ,
भाई मैंने ये तो स्टगर्ड समझ में आ गया। सुमित जोशी है क्या? सुमित जोशी ने पूछा है। स्टगर्ड आ गया। हाँ तो मेरे यारों, मेरे मित्रों, आप लोग जो है डॉट वाले कार्बन को छेड़ो ही मत। डॉट वाले कार्बन पे जो जो ग्रुप है कौन कौन से हैं, डॉट पे ये CH2 है, डॉट पे ये CH2 है, ठीक है, डॉट पे ये हाइड्रोजन है, डॉट पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और डॉट पे ये हाइड्रोजन है। डॉट वाले कार्बन पे जो स्टगर्ड में प्रेजेंट है वो ही आपको कुछ नहीं करना है उसके अंदर। आपको किसको घुमाना है, जो गोला वाला कार्बन है उसको रोटेट करना है। ये गोला मैंने पकड़ा और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखो इधर ये रोटेट किया मैंने, तो रोटेट करते ही ये CH2 किस पे आएगा, नीचे। ये हाइड्रोजन किस पे आ जाएगा, इस पे। ये हाइड्रोजन किसके पीछे आ जाएगा, इसके। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे जस्ट पीछे आ जाएगा, पहले बीच में था ना, पहले यहाँ का था बीच में। अब पीछे वाला कार्बन ऊपर वाले कार्बन को, पीछे वाला हाइड्रोजन ऊपर वाले हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो देखो कवर करने से ये सारा हाइड्रोजन इसके पीछे आ गए और ये CH2 जो है इस CH2 के पीछे आ गया। बात समझ में आई क्या? आ गई सुमित, पूर्वी, डोली, उमेश, डोली नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात उतार लीजिए, उतार लीजिए सर। तो ये स्टगर्ड कॉन्फॉर्मेंस है, कॉन्फॉर्मेशन है, और ये इक्लिप्ट कॉन्फॉर्मेशन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन या तो इनके डायग्राम बनवा लेगा आपसे, या कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है वो क्वेश्चन लिख लो, फिर उसका आंसर लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को। क्वेश्चन लिखिए, हाँ भाई ये घर में कोरोना किसके आ गया, सोनू घर में ही आ गया क्या कोरोना, है बेटा? और क्या सर? अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नरेंद्र मोदी आता है ना वो लॉकडाउन बढ़ाने, तब भी वो लगा के ही आता है। चलो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि सर ये जो चेयर फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल क्यों है और बॉट फॉर्म जक्का में स्टेबल क्यों है। पहला क्वेश्चन दिमाग में आ गया होगा कईयों के, आया कि नहीं आया था, आया था, ठीक है, कि चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपने कहा सर चेयर फॉर्म 95% एग्जिस्ट करती है और बोट फॉर्म 5% ही करती है, ऐसा क्यों? आपने पूछा नहीं लेकिन आया होगा, मैं जानता हूँ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है जनरली, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे स्टगर्ड फॉर्म में मतलब चेयर फॉर्म के अंदर आप देखोगे तो इन कार्बन और इस कार्बन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन हाइड्रोजन को हम कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इनको? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। तो ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन है, इन फ्लैग पोल हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। क्या होता है? फ्लैग पोल हाइड्रोजन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो यहाँ तो ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन जो है, इन हाइड्रोजन का नाम किसी साइंटिस्ट ने दे दिया फ्लैग पोल, तो फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं। इन कार्बन पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को हम फ्लैग पोल बोलते हैं, और फ्लैग पोल हाइड्रोजन में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है, मेरी तरफ देखिए सबके सब, जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है उनमें फ्लैग पोल हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लैग पोल हाइड्रोजन में, सॉरी चेयर कॉन्फॉर्मेशन में फ्लैग पोल हाइड्रोजन काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनमें रिपल्सन का अमाउंट क्या होता है? कम होता है, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो फ्लैग पोल हाइड्रोजन की डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि हमारे बोट कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है? बोट कॉन्फॉर्मेशन में जो फ्लैगपोल, हमारे फ्लैगपोल हाइड्रोजन है, ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं भैया, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। चेयर कॉन्फॉर्मेशन में जो बोट कॉन्फॉर्मेशन में जो फ्लैगपोल जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है,
और फ्लैगपोल हाइड्रोजन की डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से इनमें रिपल्सन का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रिपल्सन का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बोट कॉन्फॉर्मेशन जो होता है वो कम स्टेबल होता है, जबकि चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टगर्ड कॉन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, what is the reason of chair conformation of the cyclohexane is more stable than bond conformation of cyclohexane। आंसर्स लिखोगे आप लोग। इन चेयर कॉन्फॉर्मेशन इन चेयर कॉन्फॉर्मेशन द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैगपोल हाइड्रोजन The distance of the flagpole hydrogen is very large. In chair conformation, the distance of the flagpole hydrogen. The distance of flagpole hydrogen is very large. Kanika, you are worried about? What is the problem? You are in trouble? Sir, actually, nanu ka phone aa raha hai. Chalo, koi baat nahi. Thode unko karke aur thoda likho. Theek hai? Likhiye. Next, kya likha hai maine? In chair conformation, the distance in between flagpole hydrogen is very large. Flagpole hydrogen is very large. ठीक है? So the amount of the repulsion is very less in chair conformation. So the chair conformation of the cyclohexane
सो चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल, चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल। वाइल द बोट कन्फर्मेशन, द बोट कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, बोट कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द सॉरी बोट कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, बोट कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हियर द डिस्टेंस ऑफ द हियर द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैगपोल हाइड्रोजन, हियर द डिस्टेंस ऑफ द हियर द डिस्टेंस ऑफ द हियर द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैगपोल हाइड्रोजन, डिस्टेंस ऑफ द फ्लैगपोल हाइड्रोजन इज वेरी लेस, डिस्टेंस ऑफ द फ्लैगपोल हाइड्रोजन इज वेरी लेस, सो द अमाउंट ऑफ द रिपल्सन इज वेरी हाई, सो द अमाउंट ऑफ द रिपल्सन इज वेरी हाई, अमाउंट ऑफ द रिपल्सन इज वेरी हाई। क्लियर, सो द बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल, बोथ सो द बोट कन्फर्मेशनल इज लेस स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन 5% एंड एग्जिस्ट इन 5%। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइक्लोहेक्सेन क्यों, मैं एक बार पूरा टॉपिक रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से एक बार कॉपी पेन रख दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ लास्ट बार। हाँ मेरे को सुनिए ध्यान से, देखो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि साइक्लोहेक्सेन का जो ये रूप होता है, ये रूप जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो होती है वो 109° और 28' होती है, 109° और 28' होती है। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन को जब हम बनाते हैं, एल्केन को एल्केन से ही तो बनाते हैं, एल्केन के दोनों हाइड्रोजन हटा के और हम साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार से बनाते हैं, देखो। ठीक है, तो इस रिंग में क्या हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है। कैसा पता हो जाता है, रिंग स्ट्रेन पैदा हो जाता है। कैसा पैदा हो जाता है, रिंग स्ट्रेन, और साथ साथ एंगल स्ट्रेन भी पैदा होता है। बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए कार्बन का, 109, बट हो कितना जाता है, 120। अरे किसी चीज़ को आप रिलैक्स मूड में ही ज़्यादा देर तक सुरक्षित रख पाते हो क्या, तनाव चीज़ में उसको बोलते हो, आप लोहे को मोड़ते हो तो लोहे को मोड़ते लोहा टूट जाता है, क्यों, उसमें तनाव पैदा हो जाता है, एंगल स्ट्रेन पैदा हो जाता है। लोहा अपने आप को 180° पर रखना चाहता है इस प्रकार से, लेकिन आप उसको मोड़ोगे, तार को मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर क्या पैदा हो गया, एंगल स्ट्रेन पैदा हो गया। तो अब साइक्लोहेक्सेन के पास में कोई चारा बचता नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे स्टेबल, तो साइक्लोहेक्सेन अपना रूप बदल लेती है, अपना आकार बदल लेती है। और वो किस रूप में एग्जिस्ट करती है, या तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या फिर बोट फॉर्म में। अब चेयर और बोट में भी चेयर ज़्यादा स्टेबल है, बोट कम है। और चेयर कम स्टेबल होने का कारण क्या है, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस कार्बन और कार्बन की डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन्स क्या कहलाते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्लैगपोल। और इन फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के अंदर अमाउंट ऑफ रिपल्सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो क्या है, फ्लैगपोल हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हैं, यहाँ पे जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ अमाउंट ऑफ रिपल्सन क्या है, कम है। और जहाँ रिपल्सन कम होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हेलो, किसी ने कुछ कहा क्या, चलो
ठीक है। तो जहाँ अमाउंट ऑफ रिपल्सन कम होता है वहाँ स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है, बोट कॉन्फॉर्मेशन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ फ्लैग पोल हाइड्रोजन दोनों क्या है, बिल्कुल पास पास में है, और ये बिल्कुल पास पास होने की वजह से जो है इनमें क्या है, अमाउंट ऑफ रिपल्सन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अमाउंट ऑफ रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये आप लोगों का एक टॉपिक रह गया था कॉन्फॉर्मेशनल में, मुझे दिमाग में आया नहीं उस समय तो मैंने करवाया नहीं था, आज मैंने सोचा कि हम बच्चों को करा दें। अब सुनो भाई, इसका होमवर्क क्या करोगे, आप लोगों को चेयर कॉन्फॉर्मेशन और बोट कॉन्फॉर्मेशन दोनों के मॉडल बनाने हैं, बहुत शानदार बनाने हैं, इस तरीके से बनाने हैं, बुक्स में भी दिए हुए हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। बेस्ट मॉडल हमारे साइक्लोहेक्सेन और इसके होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। और आज मैं क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ क्योंकि अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, तो हम नए सिरे से करेंगे अपन कल कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग खत्म होने में, थोड़े से एग्जाम्पल करा के हम उसके करा देते हैं। थोड़ा सा होमवर्क लिख लीजिए, मॉडल तो बनाना ही है, उसके अलावा कुछ नॉर्मल क्लेचर के एग्जांपल दे देता हूँ ताकि कुछ करने को रह जाएगा आपको घर पे। मिटा दूँ उसको, मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मोहिनी जोशी आई है क्या इस क्लास में, है क्या मोहिनी जोशी, ठीक है। बोर्ड सबको दिख रहा है ना साफ से,
कितने हो गए सुप्रिया, कितने हो गए बेटा? सर फाइव। चलो इतना ही काफ़ी है, सिक्स ठीक है। रोज़ के पांच पांच सिक्स सिक्स एग्जांपल मैं दूंगा तो आप बहुत कुछ ब्रिलियंट हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग जो है मैंने आपको मॉडल दिया है उसकी प्रिपरेशन करोगे, और जो आज जो पढ़ाया उसको एक बार आप प्लीज़ उसको रिपीट करें, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे समझे। हाँ एक और चीज़ है, जो मैंने इक्लिप्स और स्टगर्ड कॉन्फर्मेशन आपको बनाया ना मैंने, एक बार आप बिना देखे प्लीज़ अपनी कॉपी में बनाइए, बिना देखे इक्लिप्स्ड और स्टगर्ड कॉन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन के बिना देखे आप कॉपी में बनाओगे, ठीक है। ओके ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, बाय। नाउ यू कैन लीव द क्लास।